नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम देशमुख मोर यूट्यूब चैनल लक्की स्टूडियो सलोनी में आप मन के स्वागत करते हो। संगवारी भाई, मोर चैनल ला लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, साथ ही बेल के घंटी क्लिक करो ताकि आप ला मोर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरि भारत माता के दुलौरे छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बिराजे गांव भेड़ी यहां आयोजित मानस गान सम्मेलन आयोजक समिति के सब पदाधिकारी मन, सब सम्मानी सदस्य मन,
अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाखा में अवैया जवैया सबो झनला सकेल बटोर के रखैया परम आदरणीय उद्घोषक महाप्रभु जी राम कथा सुनैया दाई मन दादा मन नौजवान संगवारी मन चलिक मोटियारिन मन लेका लेकी मन साउंड सिस्टम वाले भैया जी कौशल्या भंडार में बूता करैया सबो जन भैया दीदी मन और वो समस्त दान के देवैया दानदाता जे मन अपन खून पसीना के कमाई के कुछ अंश लदान में दे के ऐसन भव्य कार्यक्रम करे बर आयोजक समिति के भैया मन प्रोत्साहित करैया भामाशाह आप सबके श्री चरण में बस्तरिया मानस परिवार ग्राम कोदा गाँव जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नान नान पीला मंडहर रे सादर प्रणाम है सादर दाई हो भैया मन जीव के जीवन में हमेशा व्यथा व्यथा रथे और ये व्यथा समाप्त होते कब जब वो जीव राम के कथा में जाते तब तब जब तक के जीव न राम कथा नहीं मिले ना तब तक के व्यथा रथे हाँ व्यथा पंडाल खाली है काबर है ये जीव के व्यथा जीव के व्यथा के कारण ये खाली है व्यथा में आदमी मरत रथे और वो सुधरते कब पाथे कब सुख कब पाथे जब राम कथा में जाते तब और जब तक के हम राम कथा में नहीं जा बोला तब तक के हमला शांति मिलने वाला नहीं है। चलो आओ अब सबसे सादर निवेदन हम कोई पढ़े लिखे नहीं हैं गीत संगीत में निश्चित ही गलती हो ही रामायण आप सबके महानताए आदरणीय जी की महानताए की आप व्याख्याकार के रूप में हमला प्रशंसा करे हो वैसे कुछ नहीं है दही हो मैं आपे मन के बीच के लड़का आऊं हम और आप मिल के मिले प्रसंग में गोठियाई के प्रयास करबो सबो कोई मिल के प्रसंग में गोठियाई के प्रयास करबो ऐसे मत हो कि हम गोठियात रहा ना आप मन चुपे चुपे सुनत रहो सबके सब सब कथा प्रसंग में चर्चा में भाग लेवन ऐसे मोर आप सबसे अनुरोध है तो चलो आओ एक भजन कीर्तन करथन फिर मिले प्रसंग में आप सबके साथ चर्चा करबो बोल श्यावर रामचंद्र की जय रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरि ओ बुद्धि देवैया गणपति देवता दस्यगिरी के बिनती है 33 कोटि देवता के स्वामी सबले पहली मतों गिनती है सुमिरन दीप जलाई के धरो हृदय चरण परे के लाज रखो हे मेरे श्री राम यादवी सर्वभूतेषु मशक्ति रूपेण संसिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमः नमः I'm
श्यामर राम चंद्र शंकर हरि। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संसिता कंदमूल फल सुरस यति राम दिए राम कहुआ। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बोले श्यावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमंतलाल महाराज की जय। ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। बोले भाई अपने अपने गुरु माता पिता की जय। वैसे तो लगभग लगभग पंडाल भरे हैं, है नहीं? यदि बीच बीच में चंदवा है दाई चाल दे ना, वो तुम तो चाले बने जान थो। और पंडाल में खचाखच भरे हैं, ओकर हिसाब से जय है तो गए है, हैं? जय तो गए लगत है, आजे भर तो है का? अब आजे भर जतका जोर से जय करा बुला सको दाई हो बुलाओ। हाँ हाँ, काबर राम कथा सुनना यहू भक्ति आवे। कथा सुनना तो भक्ति है, लेकिन भक्ति के साथ साथ में जयकारा जयकारा हो जाते, ताली बजाए के हो जाते, ये मन है एकाग्र हो जाते। जयकारा बुलाए से ताली बजाए से मन है एकाग्र होते। जब मन एकाग्र होते नहीं तब कथा में आनंद आते है नहीं? और जब तक के मन एकाग्र नहीं हो ना तब यह बैठे है कहूँ अब सोचा था दूसरा क्वेश्चन नहीं। और जोर जोर से जयकारा आजे जतका लगाने है लगाओ। और काली कहूँ एक रख आके जयकारा जोर जोर से जयकारा लगा दी न दाई उकर वो बैठका हो काबर उकर फलानी का बहू कि फलाना घर के लड़का जय जय के की ले जी चौक में जाके हाँ देखकर ले काबर बैठका हो। अब वैसे भी तो अभी एति पता चला तेरी फ्री बैलेंस मिला थे का भंडारा फ्री बैलेंस का भोजन भंडारा में चला थे का? तब का आप कमीर भाई एनर्जी खत्म होके जाओ भंडारा में फिर आओ। अभी तेती दिन का आदेश हो गए हैं फिर आओ फिर ताली बजाओ कस के जोर जोर से जयकारा लगाओ पचाना तू ही में हैं। तो चलो भाई जेकर जेकर कर दो दो ठन हाथ देते मन खड़े कर दो ठन हाथ वाला मन सबो जन कर हावे हावे ते मन करो हावे ते मन खड़े करो हावे दाई। अब हावे ती ही कर ही दाई हो अब नहीं है तो खड़े कर ही नहीं सके भाई हाथ लग कहाँ के एक ठन हाथ वाले तक को नहीं बने दो ठन हाथ वहाँ हावे ती ही मन खड़े करो। चलो ताली बजा बोलो दंतेश्वरी मैया की श्याम राम चंद्र की। राम कथा का हरे राम कथा का चीज हरे एला गोस्वामी महाराज एक पंक्ति लिखी मानस में एक पंक्ति लिखे है ये निवेदन है ये चिल्हर एक जगह सकलही यानी बाज ही चिल्हर चिल्हर एक जगह सकला थे बाज ही हमें एक आध नोट लग खुशोर दे है नहीं चिल्हर कहाँ चोरा चिल्हर बाजी जाते झंडा थे ना आदमी तो चिल्हर मन कर थोड़ा सा दाई मन से निवेदन भैया मन से निवेदन चिल्हर मन कर थोड़ा सा ध्यान दो ऐसे कर उनका एक अक्षर नोटे खुशर जाओ वहाँ तो हम बाजना बंद हो जाए। बोले श्याम रामचंद्र की राम कथा का चीज हरे। बाबा जी रामचरित मानस में एक पंक्ति लिखी वही ला आपके बीच में रखे के प्रयास करो तो राम कथा कली पनगे भरनी अपनी विवेक पाव
पावक कौवरनी। भरनी एक चिड़ै होते हैं, भरनी एक चिड़ै होते हैं। हमर क्षेत्र में वो चिड़ै ला छुरिया बाज कथे। वो कैसन चिड़ै होते? सांप ला देखे ना तहन अपन डेना पखुरा ला एके में सकेल लेते, एके में सकेल लेते। और जैसने सांप हर वो चिड़ै ला खाए के इच्छा से वो चिड़ै के तीर में जाते, तो वो चिड़ै अपन डेना पखुरा फैला देते और वो सांप ला नष्ट कर देते। वैसने रामचरित मानस आवे कहते कैसन कि ये संसार रूपी सर्प, संसार रूपी सांप और भरनी चिड़ै रूपी राम कथा। ये संसार रूपी सर्प लक नष्ट करे के काम करही तो कौन हरे के भरनी चिड़ै रूपी राम कथा। और जब हम कथा में जाबो ना, सत्संग में जाबो, तब विवेक के उत्पत्ति होई, विवेक उत्पत्ति होई। तब विवेक सत्संग में जाबो कैसे? सत्संग में जाबो तो तब विवेक जरूर है, लेकिन सत्संग मिल ही कब? बिनु सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के विवेक नहीं होए। कथा नहीं सुनबे तब तक के विवेक बढ़े नहीं, लेकिन सत्संग में मिल ही कागा। ऐसे कही के पूछिन तब का लिख दिस कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे जब तक के राम कृपा नहीं हो ही तब तक के सत्संग भी नहीं मिले। अभी जत का जन यहाँ आए हो ना बैठे हो, इकरे ऊपर राम कृपा बरसे है, और जे मन नहीं आ है तिकर ऊपर राम कृपा थोरको नहीं बरसे है। जत का जन जन उपस्थित हो ना, उत का जन ऊपर राम कृपा बरसे है, और आपके संग में हमरो ऊपर बरसी तब आपके दर्शन हो है नहीं। तब जब तक के राम कृपा नहीं हुई तब तक के सत्संग नहीं मिले, और जब तक के सत्संग नहीं हुई तब तक के विवेक नहीं आया। तो सत्संग में ही जाए से विवेक थे। आदरणीय जी कहा त्री से जंगल ले आए थे, जंगले वाला बात बतही कहीं कुछ गई थे। निश्चित रूप से अरण्य अरण्य कांड अरण्य पहले जमाना में हमर बस्तर ला दंडकरण्य के नाम से जाने जाते हो। आज भी संस्कृत में दंडकरण्य के नाम से ही लिखे जाते बस्तर अंचल ला। और वो त्रेता युग में ना दंडकरण्य के एरिया आज के आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी नदी के तट से लेके संभवतः महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र ये सब मिला के दंडकरण्य के नाम से त्रेता युग में जाने जाती से। जब हमर छत्तीसगढ़ ला का के नाम से जाने जाए, दक्षिण कोसल के नाम से जाने जाते से। वो टाइम में दक्षिण कोसल के राजा भानु मंत्र ही से, अब भानु मंत्र के बेटी के नाम कौशल्या रही दई और वही माता कौशल्या के शादी अयोध्या नरेश राजा दशरथ के साथ हो रही से। सौभाग्यशाली हवन सब छत्तीसगढ़िया मन, हाँ बस्तरिया मन तको छत्तीसगढ़िया मन तको सब सौभाग्यशाली हवन कि ऐसन छत्तीसगढ़ जिहा माता कौशल्या के जन्म हुई। और वो माता कौशल्या जेकर गर्भ ले भगवान असन, भगवान असन ला अगर पैदा करे के क्षमता है वो, तो छत्तीसगढ़ के दाई महातारी मन में है, दूसरा जगह के दाई महातारी मन में नहीं है। हाँ प्रणाम है आप सब ना हमारे छत्तीसगढ़ के दाई महातारी में। जतका जन यहाँ बैठे हो सब कौशल्या के रूप में बैठे हो, आप सब ला प्रणाम है। तब वही दंडकरण्य तब भगवान जब 14 साल के वनवास में गीस नदाई तब ही दंडकरण्य में रहेंगे रही से। संत मन बताते आदरणीय गुरुजी मन बताते कि दंडकरण्य में कुछ समय भगवान बिताई तो जंगल में जब घूमे तब ओमन तो राजा घर के लेकर है ना भाई, राजा घर के लेकर राजघर अपन राजभवन ले कभू घर ले नहीं निकले रहा दाई ओमन हर, लेकिन जंगल में जाए के ओकर दाई ओकर दादा के आदेश हो जंगल में जा कह के, तब जंगल में गीस तो जंगल में का खाए पिए हो ही वो कब बटलो ही जोर दे रही का ओकर दाई दादा मन यही रांध रांध के खाहू 14 साल ले कह के धार चोर की व्यवस्था रही का नहीं रही, तब कैसे करें जंगल में रहा काला खाए हो ही दाई हो, जंगल में रहा ते मन काला खाए हो ही गोठियाओ ना का खा हो ही
कांदा कुसा फल फूल ऐसे तो खाए ना भाई। हाँ तब कांदा कुसा फल फूल खाए तब जंगल में रंग बिरंग के कांदा कुसा फल फूल कैसे जाने हैं कौन बताए। तब वही बस्तर के दन करने के रोहिया जंगलिया मन हमारे पूर्वज वाले मन भगवान ला बताएगा। नहीं तो ये दे अभी भेलवा सीजन है तब भेलवा काला खही है बिजल खही फूल खही अब बिजल खादिस्ता बिजल खादिस्ता दाई भेलवा जाने तो तुम्हार गांव हावे हावे ना पेड़ पेड़ हावे ते जाना तो हमर 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 बस्तर में है अभी भी हमर खेत खार में अभी भी है। ओ तो फल और बिजल का कभी दाई पेड़ ऐसा खतरनाक पेड़ होते जे पेड़ के तीर में बड़ जान दाई मन का भैया मन तक नहीं होते पेड़ के तीर में नहीं होते पेड़ के तीर में ओकर छैहम चल दी ना तो पूरा हाथ गोड़ भर उदल जाते ऐसा खतरनाक पेड़। अब वो फल फूल मिल गए भगवान ला है भेलवा ला तब भेलवा बिजल कहीं फूल लखही बिजल नहीं खाए होगा फूल लखाते तब पाके रहते तब खाते तब कैसे खाते बोला आगे भूंज के खाते उसन के खाते ये सब ला जंगल के रवैया मन भगवान ला बताए। नहीं प्रभु एला ऐसे खाते एला ए ऐसे खाते ए देला भूंज लाखे आगे में ऐसे कह के बताए। एक सेती हम सौभाग्यशाली आवन हम सब छत्तीसगढ़ के रवैया मन जे भगवान जैसे हम और छत्तीसगढ़ में एक विशेष परंपरा के शुरुआत हुई माता कौशल्या के गोद से जब भगवान राम के जन्म हो दाई हो तो एक विशेष परंपरा चालू हुई वो परंपरा छत्तीसगढ़ में आज भी बरकरार है। का परंपरा है का परंपरा याद ही नहीं आप सबला हम सबके सबके घर में वो परंपरा चलत है। का परंपरा है भाचक पाँव परे के भाचक पाँव परथन न छत्तीसगढ़िया में परथो नहीं तुमन वो परथो भैया मन सब भाचक पाँव पर थे। हाँ एक विशेष परंपरा की शुरुआत हुई भगवान राम के जन्म के बाद काबर पाँव पर थे भाचा के भाचक काबर पाँव पर थन काबर पर थन सोचे कभू हम भाचक काबर पाँव पर थन भाचा की भैया मन भाई हम भाचक पाँव काबर पर थन भाचक पाँव एकर से थी प्रथम बस हम छत्तीसगढ़ी है मन भाचा में हम भगवान के रूप देखते हैं भाचा में हम भगवान के रूप देखन एकर से थी हम भाचा पाँव प्रथम चाहे मामा 70 साल के क्यों न रहे भाचा का बर 2 साल के मत रहे अगर वो 70 साल वाले के मामा हाँ 2 साल के भाचा पाँव पर थे भाचा चाहे मामा का जाए चाहे मामा भाचा का आए मामा भाचा पाँव पर थे चरणामृत ले थे हमन काबर हमन ओमे भगवान के रूप देखतन दाई हो एकर से थी हम सौभाग्यशाली अवन वही जंगल के बाद थे माता जानकी ला खोजे बर भगवान राम भाई लखनलाल जी जंगल में जात है दाई हो खोजत खोजा चिरे चिरकुन सब ला पूछे वो मोर शीतल देखे हो काजी है मोर शीतल देखे हो काजी ऐसे कह के चिरे चिरकुन है नदी नरवा रूख राई सब ला पूछे दाई हो मोर शीतल देखे हो काजी ऐसे ने कहा कहा तो भगवान श्री सीता के ही खोज नहीं करी सीता के साथ साथ में एक ठन और खोज करी वहाँ जतेक भी गिरे हफ्ते मन जतका भी रहीन है समाज से तिरस्कारित लो मने आज जिसे हम समाज में तिरस्कार कर देता ना छोटे बड़े के भेद वो भेद ला मिटाए बर भगवान प्रयास करी भगवान राम हर जंगल में जतका भी संत महात्मा रहीन ओ मल्ला दर्शन दे दे के उकर अपन धाम में पहुंचा दी यहाँ तक के संत महात्मा ही नहीं राक्षस मल्ला भी अपन लोक में भेजत दी सबके उद्धार करते करते एति सबरी के आश्रम सबरी के गुरुजी हर बता दे रही से बेटी मैं जात हूँ भगवान के धाम तेह इंचे रबे
अविहिचे अगोरा करत रवे, यही कुटिया में भगवान यही रस्ता ले यही बेटी, ऐसे कह के दाई हो बता दे रही से गुरु जी हर। देखो भाई, जेकर जीवन में गुरु है ना, जेकर जीवन में संत है, वही ला भगवान के प्राप्ति हो सकते। अगर भगवान चाहिए किसी कोई जीवला तो गुरु बनाए पड़ी और संत के तीर में जाना पड़ी। जेकर जीवन में गुरु नहीं है, संत नहीं है, ओला हम बता दे थल कभी भी भूल से भगवान के प्राप्ति नहीं हो सके। एक गारंटी बात, हमला अगर भगवान चाहिए ना तो गुरु के पास जाना पड़े, संत के पास जाना पड़े, संत या गुरु के पास। और संत और गुरु में ये सामर्थ्य होते, अगर अपन चेला हर भगवान के तीर में नहीं जा सके ना, तो भगवान गुरु और संत के ऐसा काम होते कि भगवान लोग ओकर तक लान देते। यही बूता सबरी के साथ हुई। सबरी सबरी जे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, हाँ, कोनो कोई कोई झंझट नहीं हो अगर जीवन में, सबसे बड़ी, हाँ, बड़ी हो गया कथी नहीं अदालत में, बड़ी हो गया है एकर ऊपर केस के मुकदमा चला था, लेकिन ये बड़ी हो गया कथी, छूट गए। अब ये सबरी कैसन है? सबरी के पहली बचपना के नाम माहुली रही थी, माहुली है नहीं, सबरी ल बढ़ा दी भौजी काकी मन बढ़ा दे तो नहीं, वो नाम तो मन अपन ननंद के उसने नाम सबरी बढ़ाई, ओकर बचपना नाम माहुली रही से संत मन बताई, तो वो सबसे बड़े बड़ी रही से, न माया न मोह न काम न क्रोध, सबसे बड़ी। ओकर दादा ओकर बिहाव करहूं कहि कहे रही दाई माहुली के सबरी के, आप बिहाव के लगिन तिथि बन गे रही से, एक दिन सबरी कथे यहाँ यदि ककन छेरी बोकरन का भर राने है दादा है, यहाँ दे छेरी है भेड़ा है, ये जीव जंतु का भर सकेल सकेल के रखे है। ओकर दादा कथे नहीं बेटी, तोर बिहाव हो या है वो तो तोर बिहाव हो या मन बा पहुना, मन बा पहुनाई करे लागी बेटी, तेकर सिद्धि रखे हो एल करते। सबरी सोचते, अरे हे भगवान, मोर एक जन के खुशी पर आते एक जीव के हत्या, मोर अकेला के खुशी खुशी मोर हो ही, शादी मोर हो ही ने खुशी मोला आही, और अतेक जीव के हत्या मैं होन नहीं दो शादी, ऐसे कही दाई हो। और तुरंत घर से निकल के जंगल की ओर जाके आश्रम में संत मन के मुनि मन के आश्रम में रही, मतंग मुनि के आश्रम में रही। अब ओकर गुरु जी जब श्री धाम में गीस भगवान के, तब बता दे रही से सबरी, अब वो सबसे बड़ी है। और सबसे एक और चीज है सबरी, जे सबर कर सकते अपन जीवन में, सबर कर सकते। अब हमन अपन जीवन में कतेक सबर कर सकथन है, भगवान के अगोरा करे बा हमन कतेक सबर कर सकते, कहां का वो साल के रामायण में तो कह रहे हो का भगवान के आगु में सब के सब सफत लेवार इनका है। और हमन या नहीं तो मंदिर में जाथन, मंदिर में जाथन एक ठन सिक्कल फेंक देथन, भगवान लकथन कि हे भगवान मोर नाती बर बाबा मन दाई मन का कहीं मोर नाती बर बने असन पढ़े लिखे दुल्हीन मिल जाए, दाई मन कहा थे मोर नतनीन बर बने नौकरी वाला दुल्हा मिल जाए भगवान सबर। और ये में सबर नहीं है, आप एक साल के बाद का कहीं ओह गए तो रहे हो का मंदिर में, भगवान करत भला अर्जी विनती करे रहे हो, कामे नहीं करिस, सबर नहीं है हमर मन में, जरा भी सबर नहीं है। सबर सीखना है तो सबरी के जीवन से सीखन, सबरी के जीवन में कैसन सबर रही से, कैसन सबर करके रखी भगवान ला आही कह के बता दी। रोज के बहारे दाई आश्रम ले लेके जंगल में, तो आश्रम वो जंगल में रोज बाहर रहा है, बहारे यहाँ लेके वहाँ तक के टेटका तक कुरकुरा देना तो राम आते का कही के देखेलने के लिए, रोज के बोइरला थाल फूल मला सकेल सकेल के राखे, हो सकते आज मोर राम आ जाएगा, आज मोर राम आही का ऐसे कह के सकेल सकेल के राखे, नहीं आए बिहान दिन फिर कहा है आज मोर राम आही, आज मोर राम आ जाही, ऐसे कह के रोज के सकेल सकेल के सकेल सकेल के राखे, और दूसरा दिन फिर वो फेंक दे फिर नवा वाला लाने। यही दरमियान भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं।
सबरी तो देखे नहीं भगवान ला आई तो बता रही से गुरुजी बता रही से सबरी की बेटी यही रहा ले आही वो यही आश्रम में यही तोला दर्शन दी तीर धनुष वाला है हां एक जन गोरिया है एक जन सांवला है ऐसे कह के बता रही से ये तीर धनुष वाला सांवला शरीर वाला गोरिया शरीर वाला जब दोनों जन आई दुरिया ने देखी सबरी दौड़ा दौड़ा की दै हो डंडा सरन गिर गए खुशी के मारे अते आंसू निकले अते आंसू निकले के औकर आंखी के आंसू में भगवान के पांव धो आगे अते आंसू खुशी के आंसू हां कबू कबू होते उसने खुशी के आंसू लाडी सबन आश्रम में लाए के बाद आसन में बैठाई आठन आसन में बैठाई ओकर बाद दोनों जन के चरणामृत चरण धोई और धोए के बाद सकले रहे दाई जंगल में का रहे देख अतिथि सत्कार आज भी हमर घर मन में अतिथि सत्कार कैसे होते आजकल के अतिथि सत्कार है ये कनी थोड़ा हाईटेक हो गए हैं है नहीं का हाईटेक हो गए अतिथि सत्कार हा बड़ा भजिया से होते आओ बड़े आदमी घर के आओ काका के होते हम नहीं जानन भाई लेकिन अब कतको जन के अतिथि सत्कार आजकल बड़े बड़े होटल में करते रामचरित मानस में जब हम पढ़न ना तो आज के परिप्रेक्ष्य में का हावे ये में लिखा है तिसने हमु मन अपन आचरण में उतारे के प्रयास करथन के नहीं करन ये चीज ला हमन हमला विचारना चाहिए रामचरित मानस में सिर्फ पढ़ देना ही अच्छा बात नहीं है पढ़ के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन और जब तक के अपन जीवन में हम नहीं उतारबो ना तब तो वो वही कबूत आई हमर गांव में रामायण होई हमर गांव में रामायण होई हैं रामायण देखे अभी कतिक जन रामायण देखे ला हो हाथ खड़े करो तो भैया मन दाई मन कतिक जन रामायण देखे ला हो हाथ खड़े करो अत्रि जना हो बस सब जना हो भैया मन रहा दो चार जने तू ही मन ज्यादा देखैया हो हां हां और सुनैया कतिक जना हो देखैया देखैया मन खलब उठा दे तो अभी तो वैसे होते दाई भाई वैसे होते कारण का है बताओ मन एकाग्र नहीं होए मन ला कौन खींच के रखते माया ऐसा ढंग से खींच के रखते कि जीव हर राम के तीर में जाना नहीं चाहे हां जात रही नहीं तब ले चल अभी खाली है अभी कतको जन मन जे खा डाले नहीं जहू कह रहे हो जहू कह रहे हैं वेद लई कहा एदे टूरा हसुते असल करिस दई अविला ढन गायो एक सन में मोह ढन के मोरो नींद पर माया के काम माया जो है जूल ऐसे फंदो के रखे जैसे पहली जमाना में एक बेंद्रा नाच वाले आपके गांव में आए कि नहीं आए पहली आए हमर गांव मन में हम देख जानथन तब बेंद्रा नाच वाले ना दाई अब वो बेंद्री के घेंच में डोरी जैसे बांधे रहा है वो ऐसे बांध रहा है ऐसे अब बेंद्री नाच दिखाए आओ आखिरी में खन खेल देखा है मैं बताए के प्रयास करत हूँ माया जीव लग कैसे रखते एकर कारण राम के तीर में नहीं जा सके भगवान के गुरु के तीर में नहीं जा सके आखिरी में एक खन खेल देखा है का खेल देखा है ओहर नवा बहुरिया कैसे पानी जाते रे बेंद्री कायत की बड़ कटोरी दे दे दाई बता दे हाँ ऐसे जाते ऐसे कहा है अब ओकर बाद बाबा को कांडी धर के कोठार बियारा कैसे जाते रे बेंद्री कहा है अतकी बड़ सुट पुनील दे दे और ऐसे बताए वो बेंद्री ऐसे जाते कहा है एक ठन आखरी मां पूछे हनुमान जी हर लंकम कैसे कुदिस रे कहा ऐसे लौठिल करे ना तो पाच चले पाले वो पार कूदते देख अब वो धरे ऊपर फेटुक बांधला ना जब वो बेंद्री है नवा बहुरिया पानी जाते तेला जानते दाई हो बाबा हा बिहनिया ले को कांडी धर के कोठार बियारा कैसे जानते तेला जानते भी हो हनुमान जी हर लंका में कैसे कूदिस तेला जानते दादा तब ओकर मालिक रात के सुस्ते ता अपन घेच के डोरी ले से घेर के भागेल कबर नहीं जाई यही माया है।
माया इसलिए जीव फसा के रखे एकरे कारण जीव हर तड़पथे दुख पाथे जीवन भर दुख पाथे जीवन भर अतेक दुख पाथे कि मरे के बेरा में भी अपन मुख से राम नहीं ले सके मुख से राम नहीं ले सके कतको जन्म गलत गलत के रथे तब नहीं मरे सका पूरा अपन बेटी दमान सब लबला डरी अहू बहु आज दाई के ठिकाना नहीं है दाई के ठिकाना नहीं है भाई के चली दी तैसे लागे भगवान बेटी दमान सब आगे सकलागे सगमन है सगमन सकलागे देखा थे पान प्रसाद खवा डरी ओला कहा थे राम राम कहा तरा दाई राम राम कह के लेकिन ओला माया ऐसे जकड़ के रखे है है लाखड़ी ललुई होई कि नी लुए होई है मोर 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 गाय गरु ले मन हजा डारही का खेत खार ला बेच डारही का ऐसने सिर्फ सोचत सोचत वो जीव लटके है वहां लेकिन पहा के तबेल नहीं एक दिन और रहेंगे अब दो दिन हो गए बेटी दमान कथे भाई के गा दे दाइला देखे लहू कही कह रहे आखिरी समय है कही कह रहे तेकर से तैयार है लेकिन अब हम घर जाबो काबर दाई हा कानी होते तू ही मन कहो ना दाई हा मरत नहीं है हाँ भाई तीन दिन हो गए हमरो घर में काम होता माया यहूं मलक खींचा थे दाई हा मरत नहीं है तीन दिन आखिरी बेरा के हिंद कर से तैयार है कहते बेटी तक कही देते ऐसन ये जीव के साथ माया खेल करते माया के कारण नहीं हो सके भाई तब ये सब माया से मुक्त सबरी लानी स्कंद फूल जते कपन सुहाते तैसन तैसन ला और चीख चीख के बिने दाई हो जब ये पेड़ में जाए ना तो ये पेड़ में कैसा ने कहीं चीख ले वहां बोल रहा चीख के यहां खट्टा छोड़ दे यहां वहां के ले आ दूसरा पेड़ में जाए वहां मीठा है तो वहां के सकेल के ले आ ले है कोनो कर और कुछ तेंदू हावे तेंदू ले आ ले चार हावे चार ना ले आ ले ऐसे करके कंद फल फूल मल्ला लानी सो स्वादिष्ट कंद मूल फल फूल ला के भगवान राम ला दी से राम लदे के बाद का करते प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार भगवान कथे बड़ सुखर लागे हो कथे करक रूप के हो कथे करक पेड़ के लाने सब भी बड़ सुखर लागे है हां लेखते एक ठन नऊ देते एक ठन नऊ देते देखो दाई घर में घला भैया मन आपसे निवेदन घर में कहू साग नी मीठा है नहीं तब ले अगर दाई मल्ला घर घर के मल्ला खुश करना है नहीं माता मल्ला तब एको कनी नून मेरी कम है नहीं शिक्षा है तब ले बढ़िया लागे हो कति कना खुश हो जाते है मन का भगवान राम के चरित्र से सीखना है हमला हां कबोई रह खट्टा नहीं रहेगा जंगल के बोई रहा आजकल हाइब्रिड आ गए तलक बात है ना भाई जंगल में का रही खट्टा रही तेंदू कत को कसर रखे है नहीं सबो चार मीठ नहीं रहा है लेकिन भगवान का कथे बड़ सुघर लागे सबरी कथे करे पेड़ के एक एद प्रभु एद तेंदू हरे प्रभु हां यहो बड़ सुघर लागे एक टाइम कोई लौ दे तो कते प्रेम सही प्रेम में बड़े बड़े चीज बन जाते हमला सीखना चाहिए लेकिन हमर मन के घर में ऐसे होते ए नून कम है थारी सन फेंकते थे कटोरी फेंकते थे कत को करते एक सागरां थे नून डारे हैं नबीरी डारे हैं ठिकाना नहीं पड़े हैं तब ऐसन में प्रेम नहीं बाढ़े परिवार में प्रेम प्रेम बढ़ाना है तो सब चीज ला साथ में सामंजस्य बनाए पड़े परिवार में सामंजस्य सबरी जो है अभाव में जियत रही से तृप्ति में नहीं जियत रही से उकर कर कुछ नहीं रही से अभाव जे अभाव में रही सोकर बाद भी भगवान के प्राप्ति होई सोला चलो आओ एक भजन फिर गोठिया वो बोल से बताओ चंद्र की जय धन दौलत औ माल खजाना धन दौलत औ माल खजाना ये मन तो दिन चार रहेगा
सब संत मन ही बताए प्रभु के भजन सार है, राम के भजन सार है। बोल श्यावर राम चंद्र की जय। कैसे मजबूरी में बैठे हो का दाई भैया मन? देखो भाई, कथा सत्संग में मजबूरी में कभू नहीं बैठना है। एक जन हमार घर आई गा, हमार गांव के यहाँ डोंगरी पारा के यहाँ, और कहते ये जी काय जी आज हमार के यहाँ रामायण बनाए दू तो काय होइस ना कहीं पूछे होगा तब मैं पोंगा रेडी ले हूं काय ना कर तो काय करे के आए ना उद्घाटन बनाए दू के तू काय ना कर हो बनाए दे वो कहे दाई उनकर पर बिजली बिजली नहीं रहा है, वो कंडी लाजोर वाला तो बैटरी वाला ले रहा है। अब 7 बजे के गेन रामायण बनाएला 7, 8, 9, 10, 11, 12 बज के रात रामायण बनात बनात हमर संगवारी मन कथे कज्जी एकर पोंगा रेडिया को घाटन बनात हन तो रात भारी कर बनाबो तो मैं कहे एक आध घंटा पढ़न ना घर वाले यही तान बंद कर देबो बंद करेन कही तान कही के 1 बजे बजे ऊपर टरेन दाई घर वाला सुरमुला आ जाई पत्ता नहीं आए कहां है
तब हमर संगवारी लगा तो जा काय बाबू चिमनी धर के रे इकर रंधनीपुरी हम जाय के देखबे चाह उह कनी बनाए हमर पर ऐसे अब चिमनी धर के जाई दाई ऐसे जाय के देखते रंधनीपुरी हम हमर संगवारी हां आगा निहाय कछ निहाय त कहां जाई सो ही कह के सोचा मैं कथा वो लइका जा काय बाबू उकर माईपुरी हम देखबे रे माईपुरी हम के अब चिमनी धर के दाई माईपुरी हम जाय के देखते वो सूती साईगा कथ एक बज के रात हमरा घर वाले का उकर घर रामायण पढ़त लो घर वाले सूते तो मैं कहे उठा खलान बाबू उठा खलान बंद कर बो उठा खलान अब वो हालात है धर के उठगा अब कौन जनी दाई पुंगर एरिया के घाटन में वो हर खा पी के सूतीस का पी खाक सूतीस तेल हम तो नहीं जानन है तब हमर सब एक कनी चेतीस एक कनी जब चेतीस ना तो हमर संगवारी कथे चल काएगा तो लबला थे काएगा हमर संगवारी मन है अधिक राति होइस देखस नहीं तोर घर रामायण पढ़ा था ते रात भर बनात रहो ऐसे कही के कही तब वो घर वाले हर का कथे जाकर तुम उते बना डारो किस औ नींद पर गए दाई अब आए के हमर संगवारी कथे वो तो नहीं आवाय ना कथे तो काय होइस ना काय होइस ना कही के पूछेगा तब वो काय कथे वो नहीं आवाय कथे तब काय किस ना उते बनाओ किस ना कथे अब कसम करिस ना वो तो सूतीस ना कथे सूत गए हो तब कैसे करते हैं दाई आरती बनाबो सोचे रहन तब घरे वाला सूत गए कला आरती बनाबेगा विसर्जन बना देन सीधा विसर्जन बना के उठेन गा दादा तब देखन कंडी लन जोर पाछू ढाकिस तब पड़ोसी का के दाई एक जन बैठे रहा मैं कह बने करे दाई ते कम से कम सुने वो रामायण ला अब बताए दे बे दाई तोर पड़ोसी घर ला आधा रात के रामायण वाला लड़का मन जाइन कबे अभी कर खेर पाटा टिल तही बनाए दे बे दाई के तब वो दाई काय कथे मैं गला काय बैठते रे बेटा हो कथे तब काय भय होइस हो ए रामायण पढ़ात रे ते कंडील हमारे ते कर से ती बैठे मने मजबूरी में बैठे रहा है तो ओइसने कुछ मजबूरी में इतनी बैठे हो का दाई मान मजबूरी में बैठे हो वा नहीं भैया मान मजबूरी में नहीं बैठे हो जब तक भजन में ताली नहीं बजाऊ तब तक आनंद कैसी है भाई बोल से अब रामचंद्र की जय अब छोड़ मोह माया की के बिना नहीं है कोनो सहारा तीन दुखी के कर से सहाय भजले रे संगी सिया राम रघुराई सिया राम रघुराई सिया राम रघुराई नदिया नर बगा मेरे गाना महाराणा राम भक्ति के अभिनंदन गाना महाराणा नदिया नर बगा मेरे गाना महाराणा राम भक्ति के अभिनंदन गाना जाना है सखी तोड़ा मोला नहीं मिले दोबारा मन सोला जाना है सखी तोड़ा मोला तब का कर बे सखी मोला समझाना अब छोड़ मोह माया दीवाना हरिवाना प्रभु भक्ति में मन दे लगाना हलदाना अब छोड़ मोह माया दीवाना प्रभु भक्ति रामचंद्र की जय जो है भगवान
राम और लखन लाल के सामने में हाथ जोड़ के खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं और कथे कि पानी जोरी आगे भय ठाड़े। हाथ जोड़ के खड़े हैं और प्रभु ला देख के उकर प्रेम और बढ़ते जाते, अत्यंत बढ़ गए और कथे कि मैं कैसन प्रकार के तौर स्तुति करूं प्रभु है, मैं नहीं जानो कबर मैं अधम जाति के आऊं, अधम जाति के नीच जाति के साथ ही साथ मैं मंद बुद्धि के आऊं, मोला आपके भजन करे नहीं आए, कीर्तन करे नहीं आए, आपकी स्तुति करे नहीं आए प्रभु, ऐसे कह के सबरी हा खड़े है और धर 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 आंखी ढाले आंसू निकलत जाते। सबरी सिर्फ ही काम करेगा, भजन करे भोजन के गारंटी नहीं रहे, वो कर भजन के गारंटी रहे और जेकर भजन के गारंटी रहते ओला निश्चित रूप से भगवान के प्राप्ति होते। लेकिन हमर मन में भजन भजन के गारंटी नहीं है, भोजन के गारंटी है, हमर हमर भोजन के गारंटी है, भजन के गारंटी नहीं है। कम से कम दिन भर में कई बार खा दे थान, तीन बार तो खाथन चे, अब बर बिहा हो गए ते फिर ज्यादा अच्छा हो जाते हैं, बर बिहा हो गए ते तीनों चार चार पांच घाव खोला हो जाते दाई, हां नहीं नहीं कहा था हाथ में। लेकिन और भोजन तो तीन बार के गारंटी है, लेकिन भजन के गारंटी है का हमर सबरी सबरी के भजन के गारंटी रहा, लेकिन भोजन के गारंटी नहीं रहा। कहाँ के भोजन के गारंटी दाई रही दाई, जब कंद मूल लाए तब खाए, लेकिन भजन के गारंटी रहा। और जेकर भजन के गारंटी रहते ना, वो निश्चित रूप से भगवान के प्राप्ति होते। हमर मन में तो नहीं है ठिकाना, एक जन संत बहुत अच्छा कह रही है, तीन बार भोजन भजन एक बार, भोजन तीन बार के गारंटी है और भजन एकाध बार भजन वहू हम कोई ठिकाना नहीं रहा, वहू ठिकाना नहीं रहा। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझन हजार। एक बार भजन के अगर करे के प्रयास भी करथन, वो में उलझन आ जाते, उलझन के कारण भजन नहीं होए। कैसन उलझन आ जाते, मन कहता है कथा सुन जाऊं, मन कहता है राम कथा में जाऊं, राम कथा में जाऊं भगवान के भजन सुन आऊं। लेकिन का करबे, खा पी के आए रथन, खा पी के आए रथन और हाँ ओधे ओधे के जगह ला देखथन हम, हाँ कहाँ खाते कर बैठे के नहीं खावे, ओधे के नहीं खावे, उसने जगह ला खोजथन और का होते। कथा सुनने में नींद आ गई बेकार, उसमें भी आती है उलझने हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। हमर जीवन में भोजन के गारंटी है लेकिन भजन के नहीं है, लेकिन हमर विपरीत रही से सबरी के, सबरी के जीवन में भजन के गारंटी नहीं, भोजन के गारंटी नहीं रही से तिगरे से तीवला भगवान के प्राप्ति हुई, प्राप्ति ही नहीं हुई। भगवान ओकर अंगना में ओकर कुटिया में चल के आगे आगु में हाथ जोड़ के खड़े हैं, के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी। मैं कैसन ढंग से स्तुति करूं प्रभु, अब मैं इसने नीच जात कियो, जंगल के रवैया हरो भिल्ली जात से हो, और ओकर बाद भी अत्यंत मंद बुद्धि के हो, मोर में कोई बुद्धि नहीं है, आओ ऊपर से का हरो कथे अधम ते अधम अधम अति नारी। मैं अधम तो हरोच, ओकर बाद भी अधम से अधम स्त्री जात का आओ, और तीन माह मैं मति मंद गारी, और ओ में भी पाप है पाप लासन भगवान राम, मैं मंद बुद्धि के आओ, ऐसे कही के अपन आप ला बता थावे। और हमर घर सगा आते ता हमन कैसन ढंग से अपन आप ला पेश करथन, सबरी के घर में सगा आहे जी, अब सगा आहे देकर करा सबरी कैसन पेश होइस, और हमर घर मन में सगा आ रहते ता हमन ढोंग के मारे मर गेल,
हमन दाई ढोंग के मारे मार गेल कहीं कि नहीं है तब सगा आई ना देख के हम बढ़ा चढ़ा के बताबो कारण कारण वही है माया में लपटाए का अहंकारी होए के कारण हमर अहंकारी है। हाँ हमन अहंकार में रथन भाई के गा ए साल ज्यादा खेत रबी फसल तो नहीं लगा हो लगा फिर 10 एकड़ ले लगा चुका ले ले ज्यादा नहीं लगा हो फिर 10 एकड़ लगा हो भले वो 2 एकड़ क्यों न लगा रहा सगा करा वो उसने बढ़ा के बतही सगल बता थे अहंकार में हम अहंकार में किए थे अहंकार में हमन सगा आगे तेल हम बता था यहाँ लेके प्लाट पूरा मोरे अब मोरे कहा थे तेल ते एक भाखा पूछ दे तोर पहली का कर रही ता हमर दादा के रही कही का कही उसने कही कागा आदमी है तोर पहली का कर रही हमर दादा के रही अब तोर दादा पहली का कर रही ओकर दादा के रही अब ओकर दादा पहली का कर रही अब ओकर दादा के रही अब ओकर दादा पहली का कर रही अब ओकर दादा असलत तो कही का आदमी है ओकर दादा कहत रही जब तोर 20 जन दादा के दादा के नहीं होई त आज तोर कैसे होई आज कैसे तोर हो बस बस यही अहंकार में हमन जियत है एकरे सेती भगवान के भजन में कृपान साधु संत गुरु के शरण में जाए एक बार हमन कर समय नहीं रहा और एकरे कारण हमन भटकत रहतन जीवन भर भटकतन जीवन भर दुख पाथन और दुख में ही हमर मरण हो जाते और सामने खड़े होके कहा थे मैं कुछ नहीं जानो प्रभु मैं कुछ नहीं जानो अतका बात न सुनिस दाई हो भगवान कहते कि कह रघुपति सुन भामिनी बात ऐसा बात नहीं है वो सबरी सुन कहते हैं मैं हाँ ऐसा मोर करा न कोई लमे ऊंच नीच मानो न मोर सन में कोई भेदभाव मैं काकरो संग में भेदभाव न करूं भगवान कहते न मैं ऊंचा जाति जानो न नीचा जाति जानो न मैं कोई स्त्री जानो न पुरुष जानो मैं एक ही ठन नाता मानथो काम नाता मानथो प्रभु कहते मानहु एक भक्ति करे नाता मैं एक ठन भक्ति के नाता मानथो सबरी बाकी मैं ते कहा थस तले एको ठन नहीं मानो कहते जे बड़े आदमी है छोटे आदमी है मैं सिर्फ भक्ति जे मोर भक्ति करते वो भक्त भर में खुश हो जाते अब भक्ति के बात है हमन कैसन भक्ति करथन हैं हमन कैसन भक्ति करथन दाई हो है बाबा मन कतको जन मन बढ़िया बियनिया नहा धो के पूजा करेला पूजा कोरियम कुसर जाते पूजा करत है भगवान के पूजा करत है मंत्र पढ़त है गायत्री मंत्र पढ़त है सब पढ़त है औ अवेतिल चिल्लाते है भीतरी ले अगरबत्ती धरे धरे चिल्लाते अरे पंडरूल पे राभूसा दे हो नहीं रे ऐसे भक्ति हो ही का है औ दाई मन सांझा भी सांझा के दियल धरे हाथ में बढ़िया अगरबत्ती धरे है आओ वो लाइकल गाड़ी देते ताऊ कौन लगारी देवा थे अब घुमा थे दिया बाती ना ता ऐसन में भक्ति नहीं होए नहीं भक्ति करे लगी भगवान कहते मोला ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है कौन कैसन कपड़ा ऊंचा वाला कपड़ा पहिर के आ है का रामायण सुनेला कथा सुनेला एला में नहीं देखो कौन चिरहा कपड़ा पहिर के आ है का एला में नहीं देखो कौन ऊंच जाति के का एला में नहीं देखो कौन नीच जाति के एला में नहीं देखो कोई संपन्न आदमी का एला में नहीं देखो कोई अभावग्रस्त आदमी का एला में नहीं देखो सिर्फ देखो तो एक चमकाला देखो भक्ति भक्ति और भगवान बता भी दे है मोहि छल कपट मोहि छल कपट छिद्र न भावा मोला छल कपट छिद्र से भक्ति करैया पसंद नहीं है भाई जे दिल से भक्ति करथे वही लमे प्राप्त होतो ऐसे कह के भगवान की और सबरी लगथे मैं भक्ति के नाता मानतो सबरी और ये कुछ नहीं मानो मैं हां ऐसे कह के भगवान सबरी लगाथे आओ एक भजन फिर गोठिया वो बोल से अब रामचंद्र की सियावर रामचंद्र शंकर हरि वस्त्र मादंतेश्वरी दुर्गम चंडी माई ओ भेड़ी गांव के मां शीतलाल सुमिरौ डोंगरगढ़ बमलाई तो आओ काय मोचो दाई बाबा भाई तुम चौबीस में हम चौबाटे हम चौबस्तर चौबीता
मरे बस्तर अंचल से निकल का आए हैं तो हमारे क्षेत्र के हमारे अंचल के गोंडी भाषा के भजन सुनाए बन जाते हैं जेकर कर बोल है रामे पट बारा दादा रामे पट दादा वारा री लो यो रे ला री लो यो रे ला ये गोंडी भाषा है और ये भजन के भाव होते ये पूरा भजन के मतलब हो ही कि हम सब अपन मन के हृदय के कपाट ना खोला और भगवान रामचंद्र जी के शरण में जा भजन करण भक्ति करण तब हम सब मुक्ति मिले तो आओ भजन के आनंद में और जोरदार तालीम सहित दो चलो चलो Thank you.
बोल श्यामर रामचंद्र की जय। ढंग से होते जे बरसे नहीं, और भगवान राम कथे ते कथस, मैं कुछ नहीं जानू कही के मोर कर भक्ति करे, नहीं जानू कही के सुन वो नौधा भगति कहूं तो ही पाही। अब सावधान सुन धरु मन माही, मैं तो नौधा भक्ति बता तू सबरे, लेकिन का करके सुन के थे सावधान होके, सावधान होके के सुन कथा, जब सुनन भक्ति में बैठन तो सावधान पूर्वक रहन, सावधान पूर्वक बैठ के सुनन, तब जाके भगवान की कथा में या भक्ति करे में ध्यान एकाग्र करके सुनन। ये बात का भगवान कहते थे सावधान होके सुनवा सबरी, काय काय प्रभु कहते कि प्रथम भक्ति संतन करे संगा। प्रथम भक्ति वो हावे जे संत के संग करते, वो प्रथम भक्ति है, संत के संग करने से ही भक्ति प्राप्ति होती है। अब संत के संगत करबे, अब ते है तो संत के संगत करे, प्रथम भक्ति के गुण तोर में हावे छे, हैं? और संत के संग करे के बाद ही वो जीवला ईश्वर के प्राप्ति होते, और संत के संग नहीं करही ना वो जीवला 84 के चक्कर में भोगत रही भैया, लेकिन भगवान के प्राप्ति होने वाला नहीं है। संत जरूरी है, गुरु जरूरी है, और जे जीव गुरु नहीं बनाए नहीं दाई, संत मन बताई नहीं, जे मन गुरु नहीं बना रहा ना वही मन मरते, तब भूत प्रेत बनते करते। सही बात है का गुरु जी, हम नहीं जानन भाई, ये गुरु जी मन बताए थे सुने हन, जे आदमी गुरु नहीं बना है वो मर गए ना, तब वही भूत प्रेत बनते। अब भूत प्रेत बन के कहां झपाते कथे, जे गुरु नहीं बना रहा तेकरे ऊपर झपाते कथे। तो जीवन में गुरु जरूरी है ना भाई, चाहे तुमन कहां बना हो तो तुम जानो, लेकिन जीवन में गुरु जरूरी है, और बिना गुरु के भाव से पार होने वाला नहीं है, बिना गुरु के कुछ नहीं हो। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, ए दे दई हो तहु मन कथा सुनो, तो भगवान राम के यहू एक ठन भक्ति है सबरी, ते तो रोज के कथा सुने हसु, तो जीवन भर पूरा कथा है, राम में है तो जीवन भर, जीवन भर कथा सुने हस। और दूसरा मोर कथा, मोर कथा प्रसंगे जेला आदमी है सुनते वो मोर दूसरा प्राप्ति के प्राप्त करते। अब कथा सुनना, अब कथा सुने ना सबो जन आ हो, अब कौन सुना तो कौन नहीं सुना तो तेरे हम कैसे जानू। सती घला उसने के रही दाई दू जन गिन सुने बर, भगवान शिव और सती दू जन गिन सुने बर, लेकिन वो सुने गिन दू जन सुनिस एक जन, अब उसने ही है सुने बैठे हो 1000, अब के जन सुन सुते तू ही मन जानो भाई, हम नहीं जाना, अब नहीं सुना तो उसे भक्ति के प्राप्ति होने वाला नहीं है। तब कतको जन मन हा, कतको जन दाई मन, तुहर गाँव के नहीं कहूँ दाई, हमार गाँव कर बता था कथा होते नहीं, ता आते और पाछू पाछू ढा बैठे, आगू ढा नहीं बैठे, तुमन आगू बैठे हो तैसे नहीं बैठे, पाछू पाछू ढा बैठे, आ वो मन कथा नहीं सुने, और गाँव के जति बहू बेटी यही ना तिमला अंताजत रहते, ये कैसन रंग के लुगरा पहरे है, कान में का पहरे है, गलम का पहरे है, कमर में का पहरे है, अब ओकर गोड़ में का पहरे है, हैं? आओ कथा भागवत रामायण रखते ना, तो दूसरा तीसरा दिन नदिया में जही ना, तरिया में जही या खेत खार जही, तब गोठिया थे आपस में, हम टार दाई उकर घर बहुल आज में नहीं देखे रहे, नौ दिन देखिए रामायण में वह चार चार ले पहरे है वो, या फिर रामायण के लिए कोकनी ने गोठिया बस्तर के मना रही से एक नहाल न कहीं ठिकाना, फिर ऐसे तको नहीं कहा ठिकाना नहीं है तको खला कहा, रामायण के लिए सूक्त करो रामायण में उत्कम है, उत्कम भगवान समझ जी, अरे कुछ न कुछ तो राम इकर दिमाग में हावे कहे के, अब रामायण के बारे में कुछ उजने गोठिया बने नहीं रही कहीं के खला गोठिया बने रही कहीं के, अब का प्रसंग में चर्चा करी, हाँ उमक मन कोठिए नोठासानी परिसमला ऐसे खला कहा, लेकिन काकरो काकरो घर के बहु बेटी का पहरे है का ओढ़े है एला भरमत अंतर जो भाई, है ना भाई, तब कथा सुनना है यहू भक्ति है, तब कथा ला सुनना कैसे है, सुनना कैसे है, तो भगवान भोलेनाथ जी से सुनिस ना कथा,
ओई कुंभज ऋषि के आश्रम में उसने हम मल्ला जा के कथा सुनना चाहिए, ध्यान लगा के सुनना चाहिए। और तीसरा भक्ति कथे कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भक्ति अमा चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिया। गुरुदेव भगवान के चरण कमल की सेवा अभिमान रहित होना चाहिए। कभू मन में ये मत होए भाई ये गांव में ये आश्रम में जब ले आ होना तब यह भीड़ बाढ़ ही एकर पहले आश्रम में कोई नहीं आत रही होते अहंकार होते अभिमान होते आदमी में ये कहां का ये संत करत कोई आत नहीं रही मोरे आए ले एकर करा सब जुड़ी है एकर पहले कोई नहीं आत रही नहीं आश्रम में। ऐसे मन में अभिमान मत रहे, अभिमान रहित होके गुरु के चरण के कमल के सेवा करना चाहिए। तीसरा भक्ति और चौथा भक्ति छल कपट पर छोड़ के भगवान के मुर्गुण के गान करते सबरी वो चौथा भक्ति ला प्राप्ति करते। सब चीज ला छोड़ के कोई जरूरी नहीं है भगवान ला प्राप्ति करना है तो हमन मेकअप करके आबो तभी भगवान के प्राप्ति हो ही का, ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान के प्राप्ति का करना है छल छित्र सब ला छोड़ दे, सब चीज ला त्याग दे। जब तक के त्याग में नहीं ना तब तक के कुछ मिले नहीं। संत मिलन को जाइए सही माया अभिमान जो जो पग आगे संत के साथ के पास जाना है गुरु के पास जाना है तो सब चीज ला त्याग के जाना पड़ते सबरी तब में हम मिलते हो इसलिए में थोड़े मिलते सबरी ऐसे कह के। अब सबरी हाथ जोड़ के खड़े हैं धर 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 आंखी ढाल खुशी के आंसू गिरते काबर ओकर जीवन में कभू हर ऐसा कभू बातें नहीं रही कि वो भजन नहीं कर रही से हमेशा खुशी खुशी जियत रही से। हां सबरी ला ओकर गुरुजी बता दे रही से मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो। बेटी रोवे धनवा रोए में कुछ मिलने वाला नहीं है। सबरी कहा है सब ल छोड़ के आओ भगवान सब ल छोड़ के आओ गुरुजी मैं नहीं रो तब कैसे करत रहूं। मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो जिंदगी ये मिली कुछ दिन के लिए जिंदगी ये मिली कुछ दिन के लिए सबको गले से लगाते रहो मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए हरदम हरि को मनाते रहो मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो। ये संत मन के कहना है लेकिन दिक्कत ये है आजकल हंसे बगल हंस कबे तब हंसते अपन बनी हंसे तो मोर बगल हंस कबे तब हंसे बड़ा समस्या है आज के। आज भाग दौड़ अतेक हो गए हैं जिंदगी में दाई हो कि हंसे नहीं आदमी है। पैसा दे के हंसे सीखे हंसियासन योग वाले मन कर हंसे सीखे जाते अपने हो के हंस नहीं कबे इतनी हंसे मन यहाँ पंडाल में बैठे राम कथा में ना तो ऐसे बैठे हैं कि जानो मानो ये पूरा पंडाल के खर्चा ओकरे मुड़ी में लगा है ऐसे बैठे भाई। आदमी हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए दाई मल्ला भी मुस्कुराते रहना चाहिए दीदी मल्ला भी भैया मल्ला भी बाबा मल्ला भी जीवन में का रखे है जी मुस्कुराना तो असली चीज है। भैया मन कहीं कमा के आए तो तहु मन मुस्कुराते हुए पानी दे करो हां लोटल पटक के पानी मत दे मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। अब भैया मन बाहर से आए तो मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश होना चाहिए पूरा जीवन मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए
सत्कर्मों में मन को लगाते रहूं, मुस्कुराते रहूं, गीत गाते रहूं। बस सबरी यही मूल मंत्र लाने के चलत रहता है, बिल्कुल कोई कोई चीज के वाला परेशानी नहीं रही से। आओ एक भजन सुनथन, फिर आगू ढाक उठिया वो बोल से अब रामचंद्र जी। सियावर राजा रामचंद्र शंकर हरिओ, कुंवर जाहि कात कियो देवारियाहि जी, आज नहीं ते काली रे ससी तोर बारियाहि जी। ये माया मोह के पटरता काटे नहीं कटे, चार दिल के चंदे नहीं फिर अधियारिया सियावर रामचंद्र की जय। कर कुमार बिन था काया है रे तोर, झज कर कुमार बिन था काया है रे कर गुमान बिरथा काया है रे भैया, झज कर गुमान बिरथा काया है ना, झज कर गुमान बिरथा काया है रे भैया, झज कर गुमान बिरथा काया है ना। एक दीदी आही तन के जिया रामुरा जाही,
धन कर गुमान बिरथा काया है रे मैया धन कर गुमान बिरथा काया है धन कर गुमान बिदथा काया है रे तोरे धन कर गुमान बिदथा काया है भरत पिया राम चंद्र शंकर नवदा भक्ति के बारे में बताते माता सबरीला कथे कि मंत्र जाप मम दृढ़ बेसेवासा और पंचम भजन सुभेद प्रकाशा सबरी मोर नाम के मंत्र के जाप करे और वह में दृढ़ विश्वास के साथ करें ये मोर पांचवा भक्ति आवे दृढ़ विश्वास के साथ और जब तक के विश्वास नहीं होई ना तब तक के कुछ कामला नहीं करना चाहिए जब भी विश्वास हो तबे हम करें अभी बिना विश्वास के कोई काम सफल नहीं हो सके सबरी लगत है कि मोर मंत्र जाप ला बिना वो दृढ़ विश्वास के साथ करे सबरी ये मोर पांचवा आवे और कहते छठ दम शील निरत कहूं करे मां और निरत निरंतर सज्जन धरे छठवा भक्ति आवे इंद्री ला निग्रह में करके रखे के अच्छा स्वभाव वाला अच्छा चरित्रवान बनना चाहिए अपन चरित्र ला अच्छा बना के रखे अब बहुत कार्य में वैराग्य निरंतर धर्म में लगे रहना चाहिए इंद्री ला निग्रह करके रखना चाहिए हम अपन आप में ऐसा ढंग से करन बहु एक जन भक्ति है हाँ हम जैसे सबरी माता तीन दिन ले नहीं खा है तब ले वाला भूख प्यास नहीं लागे रही कबर अपन इंद्री ला निग्रह में करके रखे है और हमन हमने कथा चला थे तब ले भूख लागे टार हो चल लेकर कतिक ले सुनत रहो ही तो है चल खा के आबो ए है प्यास लागत है तब चल पानी पी के आबो उंगासी लागत है तो चल चाय पी के आबो हम अपन इंद्री ला निग्रह में नहीं कर पान अब इंद्री ला जे निग्रह में कर पाथे ना वह एक ठन भक्ति है हां जेहर भूख प्यास मर मर के हवे ना ते समझ जाओ एक ठन भक्ति करत है भक्ति करत है उसने हम मन ला करना चाहिए जब कभी भी एकदम पेच पानी त्याग के कहीं मत करे ऐसे नहीं जहाँ जरूरत है जैसे हम अभी कथा में बैठे हैं तो अपन इंद्री कम से कम निग्रह में रहना चाहिए मन हर घर में मत रहे हैं तारा लगा हुई कि नहीं लगा हुई पप्पू पापा ऐसे तारा लगे इसके नहीं लगे इसे कपाट मन उग्र उग्र रही ने अब यहाँ से सोचा था दाई यहाँ बैठ के तबू नहीं बने अब ढा पप्पू पापा आ गए तब वो ओकर मन वो ढा लगे है पप्पू मम्मी ऐसे भीतरी तो बेड़ी लगा है कि नहीं लगा है भगवान या तब कहाँ इंद्री ला निग्रह में रखना है सब इंद्री ला निग्रह में रख के भगवान के ऊपर समर्पण करे के दई हो हमर कुछ न है प्रभु भगवान ला धन्यवाद करे के आज हम ला कथा पे सुनेल मिली आपके आपके धन्यवाद प्रभु कि आपके कृपा से आपके कथा मिली धन्यवाद प्रभु आज हमन आज परिवार के सहित बैठ के भोजन करें धन्यवाद प्रभु लेकिन एको दिन भूख रहेगी तब गलत धन्यवाद प्रभु ऐसे कही की है? हम भूख मरा था तब तो आजकल तो एक ठन में ही निकाल दे जी सूत्र निकाल दे भूखे भजन न होए गोपाल कथा बिना कौन कहे तेल महा जाना तो इंद्री निग्रह कर यह किसी के
कर ही उसने उसने बोल ही का गुरु जी नहीं बोल सके ना है फिर भक्ति कहां होई भक्ति कहां होई तो भक्ति करना है तब इंद्रिय ने निग्रह में करके रखना है अपन बस में करके रखन हां इंद्रिय ला हम अपन बस में करके रखन कि हमर हिसाब से हमर इंद्रिय काम करे हम कहूं बैठे हैं काकरोचारी निंदा होते वहां हम मत सुनन हम अपन इंद्रिय ला निग्रह में रखन ये सब बात ला भगवान राम हैं माता सबरी ला बताते और कति सात वसम मोहि जमै जग देखा हे सबरी ये पूरिया ये पूरा दुनिया में सब रहा राम मैं देखना है सब में राम हाँ तोर में राम मोर में राम रुख राय में राम गुरु गाय में राम छेरी में राम बायलर में राम सब में राम राम सब में राम देखना है लेकिन हम सिद्धांत के बात करथन भाई हो अब सबसे निवेदन सिद्धांत के बात सब कर देते सिद्धांत के बात करते हम करते सब कोई करते सब चिल्लाते हाँ, जीव हत्या बंद करो जीवों पर दया करो कथन की नहीं कहा सब कोई कथो नहीं तुमान कथो ना हाँ, जीव हत्या जीवों पर दया करो कहीं कि सब कहा तो लेकिन बाजार के दिन करिया झील में कौन धर करेगा थे तकहेज में हो ही सिद्धांत ना व्यवहारिक जीवन में उतारबो तभी तो बन ही काका कि कहते रहो ते में बन ही कहात रहे में कुछ होने वाला नहीं है तो अपन इंद्रिय ला निग्रह में करके रखे के और सब जगह राम मैं देखे के सबरी सब में वो पूरा जगत में राम मैं देखे और सबसे बड़े बात बता दे तो तोला कथे कि मोते संत अधिक कर लेखा अमोरो ले ज्यादा कौन ला देखना चाहिए संत ला देखना चाहिए काबर संत के शरण में अगर जीव जही तब मोर प्राप्ति होई अन्यथा मोला कैसनो भक्ति कर ही तब ले प्राप्ति होने वाला नहीं है और आठवा जता लाभ संतोषा और सपने हूं नहीं देखहीं पर देवोसा आठवा जत का मो अपन पास आवे ओमे संतोष रा दूसरा के चीज बसला कहीं चीज ला देख के जल मत और सपना में भी दूसरा के दोस्त मत देख जब का है हमर का राज जो है जैसन हवन ए में हमला संतुष्ट रहना चाहिए हमला ये नहीं सोचना चाहिए हे प्रभु हमर घर साइकिल नहीं उकर घर तीन ठन साइकिल है तब हमला संतुष्ट रहना चाहिए हमरो कर साइकिल आ जाती इसका कहीं मत का ओकर बतुल कर्म करे पड़ी कर्म करबे तब फल मिलही और कर्म नहीं करबे फल नहीं मिले और जे जैसने कर्म करते वाला वैसने फल मिलते एक जन मन के रहे दाई बगीचा में अरे एक जन मन के रहा दाई जात रहा है बगीचा में देख पारी सामा पाके रहा है आमा पाका आमाला देखी इस तब मन हो इस खा लेते हो का कही के लेकिन धुरिया में रहा है धुरिया में जाए पर रेंगे लगी आदमी के आंखी देखी त रेंग के जाए बर पांव रेंग के गीस अब पांव रेंग के गीस त अमल टोट डर ही का नहीं टोरे कौन टोरी हाथ टोरी अब हाथ टोटली तक खाटा रही का हाथ था कौन खाई मुंह खाई है ना भाई अब मुंह खाई तो मुंह में रखे रही का नहीं रखे कहां गई पेट में है अब ओतीले आमा के रखवार निकली से डंडा धर के दादा है और डंडा धर के आई यहां मोट के डंडा दाई उठा के दो डंडा मारी सोकर पीठ ला है देखिस कौन आंखी रेंगेगी कौन गोड़ है नहीं टोरीस कौन हाथ खाईस कौन मुंह और राखीस कौन पेट और पिटीस कौन पिटीस कौन पीट है और कहीं गलती नहीं है लेकिन जब पीठ ला परी दो डंडा कस के नहीं काटी हाथ ले तब गदगद गदगद आंसू निकलीस कहां ले आखी ले देखे कौन रही आखी तो जे जैसे कर्म करते ना ओकर फल ला वही चला भोगना है आओ कोई दूसरा हार नहीं भोगे कर्म प्रधान है भाई आओ पीला रोशनी के संकेत एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदा आप दाई मन से दादा मन से नौजवान संग वाली मन से गुरुजन मन से आप सबसे सादर निवेदन प्रार्थना मोर बात अगर किसी प्रकार के कोनो ला आपको हृदय ला ठेस पहुंची तो ही दाई हो अपन पीला समझ के बाबा हो अपन लड़का समझ के नौजवान संग वाली हो अपन संगवारी समझ के सादर माफी करो बोल श्याम रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र शंकर हरियो
हे मोला निकला गे संगी राम के कहानी हाना बड़ा मीठा लागे दीदी तुलसी के बानी मोला निकला गे संगी राम के कहानी हाना सगवारी ये भरोसा नहीं है ना गाले ना दीदी राम के कहानी नाना ये जियत भर ले जी आना भजले ना भैया राम के कहानी नाना आना गाले ना दीदी तुलसी के बानी नाना मोला निकला गे संगी राम के कहानी नाना मोला निकला गे संगी तुलसी के बानी नाना राम के कहानी नाना तुलसी के बानी नाना चंद्र शंकर हरि बोल राजा राम चंद्र की जय बोल दंतेश्वरी मैया की जय
अजी तख दे से भारी मोचो मोचो बस्तर कितर सुंदर मोचो बस्तर कितर सुंदर अजी तख दे से भारी मोचो मोचो बस्तर कितर सुंदर मोचो बस्तर कितर सुंदर रग रग के मन को देख मोई बस्तर आ दाई देने सर मोई इंद्रवती सुंदर मोचो तुमके शरण शरणया तुमके शरण शरणया जय हो दंतेश्वरिया ती भवानी मैं बस्तर जिला चो आदिवासी पिला एक हल भी भज माग पूछा किनो रे दादा बोलला रे अब बाग छेड़ा किनो रे दादा बोरीलारा हल्की वजन है जोरदार ताली बजाओ बजा जा मुख मुरली बजा
राधा हो बेटा राधा हो जन जन राधा हो